बैच क्रिएशन. सो आपको पता है कि मैंने कल एक गिव अवे अनाउंस किया था जिसके दो रिजल्ट विनर्स के रिजल्ट्स बाहर आए थे. एंड उसमें गिव अवे में दो लोगों को सिलेक्ट किया गया था जिनके एफर्ट्स और उनके सब चीज़ देख कर के उनको सिलेक्ट किया था. बट देर इज़ एन इशू इन दैट रिजल्ट्स विनर्स. द सेकेंड विनर इज़ अ फेक आई डी एंड इट्स नॉट अ जेन्युइन आई डी. सो वी आर कैंसलिंग आउट दैट विनर एंड वी हैव सेलेक्टेड वन मोर पर्सन ऑन देयर प्लेस. इट्स अ फेक आई डी बिकॉज द एड्रेस जो उन्होंने मुझे दिया है वो प्रीवियस विनर का ही एड्रेस है. दे हैव गिवन मी द सेम हाउस नंबर सेम एवरीथिंग एंड नेम इज ओनली डिफरेंट. और जो उनका सिर्फ इतना ही नहीं है और जो उनका व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी प्रीवियस विनर का ही नाम लिखा है जबकि वो मुझे अपना नाम अलग बता रहे हैं. एंड वी हैव टॉक्ड विद देम ओवर द फोन मी एंड माई स्पॉन्सर बोथ एंड वी हैव कम टू द कंक्लूजन दिस इज नॉट अ जेन्युइन आई डी एंड वी हैव टॉक्ड विद द विनर ऑल्सो. And somewhere or the other, we are having a very good proof that this is not a genuine ID. It's a fake ID. So we are cancelling out this. And please, I request आप लोग ऐसे मत करिए fake ID बनाकर कि आप लोग giveaway में जीत करके क्या मिल जाएगा आप लोगों को. और कितने लोग हैं जितने लोग मतलब efforts करें आप लोग को लगता है आप लोग पकड़े नहीं जाओगे but ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग को certain amount of experience है giveaway करने में तो हमें पता चल जाता है कि आप एक ही बंदा एक डिवाइस में 5 IDs बना सकते हैं Instagram की और एक दिन में आप कम से कम 100-150 फॉलोअर्स भी आप पा सकते हैं अगर आप सबको फॉलो करने बैठ जाएं. तो आई एम लुकिंग एट द आईडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग एंड देयर वर सर्टेन आईडीज़ मैंने पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था बिकॉज उनके फॉलोअर्स इतने नहीं थे और एक दिन उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए और वो कॉन्टिन्यूसली एक ही तरीके के मैसेज एक ही आईडी से आ रहे थे तो हम लोग को थोड़ा डाउट था जिस पर उनको हमने पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था इस गिवअवे से. बट आवर डाउट नाउ हैज़ बीन कन्फर्म that the person who had won the second place in this giveaway is the same person that had last won the giveaway in the last giveaway of cosmetics. So unka main naam nahi lena cha rahi hu but we are cancelling your this particular qualification as a giveaway and it's really sad and it's really unacceptable kind of behavior. Why would you go to such a length to do something like this? I have lot of experience in giveaways and I know this is the first time this is happening but ye pehli baar mere sath nahi hua. Aise bahut log jo giveaway karte hain unke sath aisa ho chuka hai. Ye koi nayi baat nahi hai ki log itni length tak ja kar ke giveaway ke liye fake IDs banate hain but aap log kyun kar rahe hain aisa. This is something which is beyond my, intellect. I cannot even understand. This is just a giveaway, and there are giveaways. बहुत सारे आते रहते हैं, but why to make a fake ID for this thing? So this is something very sad and unacceptable. And we have talked over with the contestant also, and there is 100% proof that this is a fake ID. और जो पहले winner थे, उन्होंने ही ये दोबारा नई ID बनाई है. Just to take part in the giveaway. और एक आई डी है दो तीन उन्होंने आई डीज़ बनाई है. सो दिस इज़ नॉट जस्ट वन आई डी वे टॉकिंग अबाउट टू टू थ्री आई डीज़ ओवर है जिन्होंने जो उन्होंने फेक आई डी बनाई इसके लिए. एंड समटाइम्स वी ऑल्सो डोंट हैव कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स. वी के नॉट ऑल्सो चेक ईच एंड एवरीबडीज आई डी बट येस वैन वी हैव गॉट एक्चुअल प्रूफ कि दिस इज़ अ फेक आई डी वी आर डिसक्वालीफाइंग. मेरे और मेरे स्पॉन्सर ने जस्ट डिसाइड किया है कि आप लोग का आपका क्वालिफिकेशन हटा दीजिएगा और अब आप आने वाले गिव अवे में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे आप पार्टिसिपेट. ओके एंड अगर आप विनर होते भी हैं नेक्स्ट आई डी में और अगर आपका एड्रेस फिर भी सेम आता है और बाकी डिटेल्स भी मैच करते हैं तो भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे. देर इज नो पॉइंट इन नाउ डूइंग एनी थिंग बिकॉज द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग एंड देर इज नो hiding anything because we have certain amount of experience in giveaway so we know actually कि कैसे इसको investigate करना है. और जब भी विनर्स होते हैं तो हम उनसे चैट का स्क्रीनशॉट और बाकी डिटेल्स मांगते हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली प्रूव कि जो बंदा इंस्टाग्राम पे है वही सेम बंदे को गिव अवे का प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ऐसा तो नहीं कि हम लोग बस आप बोलें कि मैं श्वेता हूँ तो मैं श्वेता को बोल भेज दूँगी, ऐसा नहीं करते हम लोग. हम लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट मांगते हैं, डिटेल्स मांगते हैं और अगर डिटेल्स कहीं पर भी हमें गड़बड़ लगती है तो हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं. सो वी हैव डन सम इन्वेस्टिगेशन, वी हैव कम टू दिस पॉइंट दैट दिस इज़ अ फेक आई डी. सो आई एम डिक्लेयरिंग अनदर विनर and I am just giving you a message. Please don't do this kind of a thing. आप fake ID बना करके कोई giveaway जीत करके actual में खुशी नहीं पा पाएंगे. There is no point in doing this. मुझे समझ में नहीं आता आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं. जो भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं आप करें, प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए बिकॉज यू विल बी गेटिंग यू विल बी कॉट इन द प्रोसेस. कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाएंगे बिकॉज वी माइनिटली
यू नो लुक एट द मैसेजेस एंड एवरीथिंग, हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं हर एक एक्टिविटीज़ पे, हर एक चीज़ पे. सो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि अगर आप एक आईडी बना जीत रहे हैं तो आप ऐसा बार बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपेंड इन माई गिव अवे. पहले ऐसा बहुत लोगों के गिव अवे में हो चुका है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू. ऐसा बहुत लोग करते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो. यू आर डूइंग योर एफर्ट, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, और जो जेन्युइन एफर्ट्स हैं उनको रिवॉर्ड किया जाएगा. बट दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स बाई विनिंग अ गिव अवे इन अ फेक मैनर इज गोइंग टू टार्निश योर आईडी. देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू ऑन इंस्टाग्राम, एंड लाइक पीपल विल नॉट बी हैप्पी विद दिस थिंग. आई नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गिव अवे. There is no point in making fake IDs for that thing. It is just going to tarnish your image. So the second winner is disqualified now. You are no longer going to be taking part in any of the upcoming giveaways. Any of your associated IDs will not be qualifying for the upcoming giveaways. You are being removed from the position of second winner, and we are selecting a different winner for this particular handbag. And we have seen many people are doing genuine efforts. और जो लोग गलत तरीके से efforts कर रहे हैं तो please एक बार सोच लिया करें. बाकी और लोग भी हैं जो genuine efforts कर रहे हैं और genuine efforts करके वो दो तीन बार winner बने हैं, ठीक है. But they have done genuine efforts. And don't try to become a winner by making fake IDs. This is not going to land you anywhere. I'm very much upset and hurt with this kind of action, but I need to take some action against such people. So I'm giving you a message कि fake IDs बनाकर giveaway जीतने से कुछ नहीं होने वाला है. आप लोग अपने genuine efforts कर रहे हैं तो करिए, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे giveaways चलते रहते हैं. दिस इज नॉट द लास्ट giveaway जहाँ पे आप अगर जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे तो आपको इस तरह के actions में resort करना चाहिए, ऐसा मत करिएगा प्लीज़. सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम आर्ची क्रिएशंस दैट अपकमिंग गिवअवेज में रूल्स और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसमें कि आप अगर आपके 50 से नीचे फॉलोअर्स है यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द गिव अवे. आपके एटलीस्ट 50 से ऊपर या 100 से ऊपर जैसे भी हमारे रूल्स हम होंगे फ्लैश कर देंगे, उससे नीचे आपके फॉलोअर्स में आईडी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी. ओके, एंड यू नीड टू गिव मी प्रॉपर प्रूफ ऑल्सो दैट यू आर द एक्चुअल विनर, बिकॉज वी विल नॉट प्रोसीड विद. हम लोग अभी तक भी जितने भी विनर्स हैं उन सबसे प्रूफ लेते हैं कि आप ही एक्चुअल में आपकी ही आईडी है कि नहीं है. और हम लोग एक तरीके से प्रूफ नहीं लेते, दो से चार तरीके से प्रूफ लेते हैं कि हम लोग जिसको विनर बना रहे हैं वो एक्चुअल में वही बंदा है जिसे हमने सेलेक्ट किया है कि नहीं किया. बिकॉज दे कैन बी सो मेनी इम्पोस्टर्स बिहाइंड द स्क्रीन एंड वी विल नॉट नो कि बिहाइंड द स्क्रीन कौन बैठा है, कौन किसकी आईडी बना के बैठा है, ये मुझे कुछ नहीं पता रहता. क्योंकि हम लोग कोई भी हैं, हम लोग में से कोई भी 5-6 आईडी बना के क्लेम कर सकते हैं कि हम लोग विनर्स हैं. तो इस तरह की प्लीज़ हरकतें मत किया करिए. दिस इज़ वेरी सैड, दिस इज़ वेरी आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर सच काइंड ऑफ बिहेवियर. सो आई होप दैट यू विल बी टेकिंग माई मैसेज सीरियसली. एंड रेस्ट ऑफ यू जिन्होंने एफर्ट्स किए हैं, आई एम डेफिनेटली हैप्पी विद योर एफर्ट्स एंड विद योर रिस्पॉन्स. अभी तीन पोजिशंस आना और बाकी है. आज का रिजल्ट थर्ड विनर का आज डिसाइड हो जाएगा. आज सेकेंड विनर का जो डिस्क्वालिफिकेशन था उसकी जगह जो नया विनर है उसका भी मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूँगी आपको. आप इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं कौन विनर है. सो मेक श्योर कि जो लोग एफर्ट्स करें जनरली थोड़ा सा उनका ध्यान रखें, आगे से गिव अवे में पार्टिसिपेट किया करिए. बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू नो स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड जॉय टू पीपल, नॉट फॉर सच काइंड ऑफ एक्शन जो आप लोग कर रहे हैं गलत आई डी बनाकर. ओके, सो आई एम जस्ट ending this video by saying that make sure that if you are doing something, just think about it that you will be getting caught in this act, because we have a proper way of you know checking out the IDs and everything. So don't think that we are fools over this side of the screen and we will not be able to do anything. We'll just believe what you say, so that's not going to happen. Okay, so since I'm from the marketing team and I've got lots of experience in e-commerce, so I'm very much aware of what kind of things go on online. So I'm somebody who you should not mess with in these kind of giveaways. So आप ये मत सोचिएगा कि आप लोग पकड़े नहीं जाएंगे. I will definitely you know catch you and you will be disqualified from the winner's position, just like this person has you know done it.